यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्लड होता है डेढ़ डेढ़ सौ ग्राम फ्लड होता है किडनी में। और आप देखते होंगे पुराने लोग किडनी दबाते हैं तो नींद आ जाती है, किडनी दबाते हैं तो किडनी में इतना ज्यादा पावर उठले, पहले हार्ट का ऑपरेशन भी होता था तो किडनी से ना चल रहा था, इसलिए ये किडनी अगर टाइट हो जाएगी तो आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, घुटने का दर्द, कमर का दर्द सब आएगा। ये जो बैठने का तरीका है, ये जो भाई साहब बैठे हैं ऐसे बैठना है, जहाँ पर भी आप बैठे चाहे बैग ये भी बैठे हैं जैसे अभी बैठे हैं ऐसे बैठे हैं, इस तरीके से बैठना है पैर को ऊपर करके। अभी इस तरीके से आप बैठते हैं तो आपकी एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो रही है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ रहा है, अपने आप हो रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं ये पैर को इधर करिए, ये इस तरीके से चेयर में भी बैठे ऐसे बैठना है। आजकल पालकी मार के कोई नहीं बैठता है, इसलिए आगे पालकी वाली एक्सरसाइज है, घर में ऐसे ही बैठना है, कभी इस पैर में कभी इस पैर, कौन सा पैर टाइट है दबाने में वो देखना है, इसका मतलब वो कमर पकड़ी हुई जो पैर टाइट है। ये भी एक्सरसाइज आप अभी बैठे बैठे भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम देना नहीं है। ये जो पैर टाइट है मतलब वो कमर पकड़ी है, कई बार हमने को लगता है कि ये वाले पैर में दर्द है लेकिन ये कमर पकड़ती है तो ये खिंच जाता है, इसलिए अपने को चेक करना है ऐसे दबा के कि कौन सी वाली कमर पकड़ी है। ये अगर कमर पकड़ी रहेगी तो ये जल्दी से नीचे नहीं जाएगा, इसको ज़्यादा फिर दबा के एक्सरसाइज करना है, थोड़ी देर रोकना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको जरूर लाइफ में अपनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके दर्द कम हो जाएंगे। एक बार ये पैर जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम है उसको ज्यादा करना है, लेकिन दूसरा भी करना है। आपका कौन सा पैर टाइट है? ये इसका पैर टाइट है, बराबर नीचे नहीं जा रहा है और ये वाला पैर ऊपर चढ़ा हुआ है। जो पैर टाइट है उसको दबाने से ये कमर खुल जाएगी, कमर से ऊपर रीढ़ की हड्डी टिकी हुई है, जिसकी कमर अगर तकलीफ में रहेगी तो रीढ़ की हड्डी अपने आप खिंचाव में आती रहेगी, पैर में खिंचाव आएगा, कमर में आएगा, आपकी दर्द यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा प्रॉब्लम क्या है। सारी प्रॉब्लम कमर से चालू होती है, शरीर की जितनी प्रॉब्लम है कमर से चालू होती है, इसलिए कमर की एक्सरसाइज हमेशा करना है। और कौन कौन सोते समय बाई करवट सोता है, कौन राइट करवट, सीधे हाथ की करवट में कौन कौन सोते हैं, सीधे हाथ की करवट लेके कौन कौन सोता है और उल्टे हाथ की करवट लेके कौन सोता है? उल्टे हाथ की करवट लेके आप सोते हैं और सीधे हाथ में कौन सोता है? सीधे हाथ की करवट सोना सबसे गलत है, मतलब ये सीधे हाथ की करवट में यूज होते हैं और ऐसे टांग के नीचे हाथ डाल के सो लेते हैं, हाथ को तकिया बना लेते हैं या फिर सर में ऐसे वजन दे के सोते हैं या फिर ऐसे हाथ करके सोते हैं, उनको सारी तकलीफें धीरे धीरे कोई ना कोई रूप में आएगी, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जब टांग के नीचे हाथ दबा के सोते हैं तो ये नस दबती है और ये स्पॉन्डिलाइटिस, लिपिस, साइटिका जितनी प्रॉब्लम है यहीं से आती है। और सीधे हाथ की करवट किसी को नहीं सोना है, सीधे हाथ की करवट सोने से एसिडिटी गैस होता है, एसिडिटी गैस जितनी प्रॉब्लम है मैं हर चीज का लॉजिक बताऊंगा आपको। सीधे हाथ की करवट सोने से हार्ट का फ्लो उल्टा हो जाता है, आपने कभी सुने होंगे हार्ट किस तरफ फ्लो करता है? बाई तरफ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीधे हाथ की करवट में सोना है, बाई करवट सोना है और कान के नीचे हाथ दबा के नहीं सोना है। आधी तकलीफ वहीं से आपकी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद। मैं राजा जैन विशेष थेरेपी प्रदर्शनी कॉलोनी रायपुर छत्तीसगढ़, कोर्स डायरेक्टर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी ऑल इंडिया एक्यूप्रेशर इंस्टीट्यूट, मैं कोर्स सिखाता भी हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप परिचय